नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा बहुत ही बिल्कुल आसान भाषा में। हाय, जैसा कि आपको पता है कि साल 2021 में बहुत सारी कंपनीज ने अपने आईपीओ लॉन्च किए, इसी प्रकार साल 2022 में भी बहुत सारी कंपनीज ने अपने आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही है और उनमें से मोस्ट वेटेड आईपीओ है एलआईसी। इस आईपीओ के बारे में एक खास बात ये भी है कि आईपीओ का टोटल साइज का 10% तक हिस्सा पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड है, यानी कि अगर आप एक एलआईसी पॉलिसी होल्डर है और आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आईपीओ अलर्ट होने की चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एज एन एलआईसी पॉलिसी होल्डर आप इस आईपीओ के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर 4 दिनों में ऐसा कंटेंट लेके आते जो आपको एक बेहतरीन इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक में वापस आते हैं। अगर आप एक एलआईसी पॉलिसी होल्डर है और आप इस आईपीओ के लिए एज ए पॉलिसी होल्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और वो आपके एलआईसी पॉलिसी अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। और दूसरी चीज है डीमैट अकाउंट। जैसा कि आपको पता होगा कि एक डीमैट अकाउंट के बिना शेयर्स को बाय और स्टोर्स करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी डिस्काउंट या फुल सर्विस ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आपका पैन कार्ड आपके एलआईसी पॉलिसी अकाउंट से लिंक्ड नहीं है तो आप इसे कैसे लिंक कर सकते हैं। पैन कार्ड को अपनी एलआईसी पॉलिसी से लिंक करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले इस लिंक को विजिट करें और इससे आप एलआईसी के पैन लिंकिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे भी ऐड कर देंगे। इसके बाद आपको फॉर्म में ये डिटेल्स फिल करनी है। आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपके डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका फुल नेम, मोबाइल नंबर, पॉलिसी नंबर। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन और एक्सेप्टेंस के लिए एक बॉक्स दिखेगा जिस पे आपको ठीक करना है। इसके बाद कैप्चर कोड एंटर करें जो आपको वहां शो होगा। इसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करके आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद आपका पैन कार्ड आपके एलआईसी पॉलिसी अकाउंट से लिंक हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपने एलआईसी पॉलिसी अकाउंट की डिटेल्स को अपडेट करना। अगर आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा चेंज हो चुका है और आपके एलआईसी पॉलिसी में अभी भी पुराने वाले डिटेल्स मेंशन है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। एलआईसी वेबसाइट पर लॉगिन करके ई सर्विसेस पर क्लिक करें। हम इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। ड्रॉप डाउन में जाकर केवाईसी अपडेट का ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको अपने सारे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और एलआईसी अथॉरिटीज आपके इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने केवाईसी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया कि आपने पैन कार्ड को एलआईसी पॉलिसी अकाउंट से लिंक कैसे करना है, लेकिन अगर आपने इससे पहले कभी इसको लिंक किया था और आप इसका स्टेटस जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको इस लिंक पर विजिट करना है। हम इस लिंक को ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद आपको अपना पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर और कैप्चा कोड एंटर करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका लिंकिंग स्टेटस प्ले हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने पैन कार्ड को अपने एलआईसी पॉलिसी से लिंक करने के लिए एलआईसी एजेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। इसका प्रोसेस भी ऑनलाइन है और आप कुछ मिनट में ही इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका एजेंट आपके पैन कार्ड को एलआईसी पॉलिसी से लिंक करने में हेल्प करेगा और लिंकिंग का स्टेटस चेक करने में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपके पास एक पैन कार्ड ही नहीं है तो आप NSDL या फिर UTI-TSL के थ्रू इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिक्वायर्ड फील्ड्स फिलिंग करनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करनी है और एप्लीकेशन फी पे करनी है। इसके बाद आपका पैन कार्ड आपको इश्यू कर दिया जाएगा।
तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि अगर आप एक LIC पॉलिसी होल्डर है तो आप किस प्रकार से अपने पैन कार्ड को अपने पॉलिसी अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप LIC IPO के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये IPO अलर्ट होने की चांसेस थोड़ी सी बढ़ जाएंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दे और ऑल सिलेक्ट कर ले ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।